ओके हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, बायोलॉजी क्लास 10। अब नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। तो बायोलॉजी के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार कर रखी है और आप लोगों से पूछूंगा। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आप जवाब दे पाते हैं ये हमें देखना। चलिए, तो सबसे पहले ये बताना है आपको, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, BIOLOGY बायोलॉजी, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देखेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव में मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिख सकते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, फटाफट बताइए। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ, कुछ लोगों के जवाब सही आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, तो अब मैं बता दूं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, जिसे हिंदी में यकृत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घेघा रोग किस चीज की कमी से होता है? घेघा रोग किस चीज की कमी से होता है बताइए। घेघा रोग किस चीज की कमी से होता है? घेघा रोग किस चीज की कमी से होता है? चलिए ठीक है, मैं बता दूं, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। हमारे बॉडी में अगर आयोडीन की मात्रा कम हो जाए तो घेघा रोग उत्पन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? थायरोक्सिन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? थायरोक्सिन का स्रावण यानी एक्सक्रीशन, थायरोक्सिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो हमारे बॉडी में गले में थायराइड है, वहां से थायरोक्सिन निकलता है। थायरोक्सिन थायराइड से निकलता है, याद रखना है। थायरोक्सिन कहां से निकलता है? तो थायराइड से निकलता है। ओके फाइन, अगला क्वेश्चन है, डैश फलों को पका देता है, फलों को पकाने का काम कौन करता है? फलों को पकाना, क्वेश्चन आएंगे आपके पास, डैश फलों को पका देता है, फलों को कौन पकाता है बताइए। तो फलों को पकाने वाला एक पादप हार्मोन है, मैंने आपको बताया था पांच प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं, प्लांट हार्मोन पांच तरह के हैं, जिसमें से एक हार्मोन का काम है फलों को पका देना। बताइए वो कौन सा हार्मोन है जो फलों को पका देता है? जल्दी बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं अपना जवाब, फलों को पकाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? हरिया जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट करके जवाब बताइए, फलों को पकाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं, फलों को पकाने का काम इथाइलीन, जिसे एथिलीन भी कहा जाता है, ये पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में रहता है। ये भी क्वेश्चन आता है, गैसीय अवस्था में कौन सा पादप हार्मोन रहता है? गैसीय अवस्था में पादप हार्मोन कौन सा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में रहता है? तो यही बताना है इथाइलीन, तो यही बताना है इथाइलीन। इथाइलीन गैसीय अवस्था में रहता है। हम लोगों ने पादप हार्मोन के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सिन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है,
एब्सेसिक अम्ल पादप हार्मोन है और पांचवा एथाइलिन पादप हार्मोन है। सभी के फंक्शंस और सभी के कार्य हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब वहां से लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों की प्रैक्टिस करा रहा हूं कि फलों को पकाने का काम कौन सा हार्मोन करता है, तो एथाइलिन करता है। कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो है एथाइलिन, जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्दीपन की पहचान डैश करती है। उद्दीपन की पहचान कौन करती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए। उद्दीपन की पहचान कौन करती है, उद्दीपन आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो बताइए उद्दीपन की पहचान कौन करता है, उद्दीपन की पहचान कौन करता है। हम चलिए आपके लिए हिंट देता हूं कि उद्दीपन की जो पहचान करता है वो हमारे संवेदी अंगों में पाए जाते हैं। उद्दीपन की पहचान करने वाला हमारी संवेदी अंगों में पाया जाता है। चलिए ठीक है, मैं बता दूं इसका आंसर होगा ग्राही। उद्दीपन की पहचान ग्राही करता है, हमारे संवेदी अंगों में ग्राही होता है जो उद्दीपन की पहचान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है, ऐसा कौन सा ग्लैंड है हमारे शरीर में जो बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों है। क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ग्लैंड है हमारे बॉडी में जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों है। इंग्लिश में अगर कहें तो एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन। चलिए तो अब आपको नाम बताना है, ऐसा कौन सा ग्रंथि है हमारे बॉडी में जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, मतलब उससे हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। ऐसा कौन सा ग्रंथि है और वो ग्रंथि हमारे बॉडी में केवल और केवल एक ही है, मैंने बताया था चैप्टर पढ़ाने के दौरान। आपको अगर आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है हमारे बॉडी के अंदर। चलिए बहुत अच्छा, तो अब मैं बता दूं कि वो ग्रंथि है पैनक्रियास, जिसे हम लोग अग्नाशय के नाम से जानते हैं। अग्नाशय जिसे इंग्लिश में पैनक्रियास कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं, ये ही एकमात्र ऐसा ग्लैंड है हमारे बॉडी में जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। अग्नाशय हमारे बॉडी में अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों में याद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृक्क यानी किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क यानी कि किडनी, किडनी के ऊपर ग्रंथि, चलिए बताइए। मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है, आपको बताना है कि वृक्क यानी किडनी के ऊपर कौन सा ग्रंथि होता है, फटाफट बताइए जल्दी से। वृक्क यानी किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है, जल्दी बताइए। आंसर आ रहा है तो आप देर मत कीजिए और कमेंट कीजिए और फटाफट बताइए कि वृक्क यानी किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है। चलिए मैं बता दूं, किडनी के ऊपर एड्रेनलिन ग्रंथि होती है, एड्रीनलिन, किडनी के ऊपर एड्रीनलिन ग्रंथि होती है, एड्रीनलिन ग्रंथि, याद रखिएगा किडनी के ऊपर एड्रीनलिन ग्रंथि होती है वृक्क के ऊपर। चलिए आप इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा फिर और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फटाफट इसको ऐसा मिटाइए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ओके, तो इससे पहले हम लोग 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं, अब 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और रह गया है जिसका मैं फटाफट आंसर आप लोगों को बता दूं। चलिए अगर आपको आंसर आ रहा है पहले से तो आप अपना आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकलता है, तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन के निचले हिस्से में मेडुला होता है, वहां से निकलता है। क्या लिखेंगे आंसर, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु मेडुला से निकलता है।
अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य, तंत्रिका कोशिका कहने का मतलब हो गया न्यूरॉन, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य यानी बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि दो तंत्रिका कोशिका के बीच सिनेप्स रहता है, दो तंत्रिका आपस में जुड़ी नहीं रहती है, और इस खाली जगह में यानी कि इस सिनेप्स में सोडियम रहता है, जिसके कारण संवेदनाएं और इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। चलिए, प्रतिवर्ती चाप बनते हैं, यानी प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? तो स्पाइनल कोड में बनता है। स्पाइनल कोड जिसको हिंदी में मेरु रज्जू कहते हैं। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि क्या है? हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथि है जिससे हार्मोन निकलता है, लेकिन उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, वो है पीयूष ग्रंथि। वो है पीयूष ग्रंथि, और इन सब चीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए, लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है। तो ये पाई जाती है पैनक्रियाज में। इंग्लिश नेम है पैनक्रियाज, को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। हमारे शरीर में छोटी आंत के नीचे ऊपर होता है, छोटी आंत के हल्का ऊपर होता है पैनक्रियाज, अग्नाशय। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पत्तियां किस हार्मोन के कारण मुरझा जाती है? हम लोग पढ़ चुके हैं कि पेड़ पत्तियों में पांच तरह के हार्मोन निकलते हैं, जिसमें एक ऐसा हार्मोन होता है जिसे पेड़ पे अगर छिड़क दिया जाए तो उसकी सारी पत्तियां झड़ जाती है, और वो हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस बार आ सकता है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। तो इन सब के बारे में डिटेल्स वीडियो हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बस उसमें से कहीं कहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके भी जवाब दे सकते हैं। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह, जिसको आमतौर से हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं, और देहाती भाषा में लोग बोलते हैं चिल्ली की बीमारी हो गया है। चलिए, कुछ और बच गया है, लीडिंग कोशिकाएं रहती है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ रहती है? तो वृषण में रहता है, वृषण यानी कि टेस्टिस में, जो कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट, मेल का, पुरुष का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। लीडिंग कोशिकाएं वृषण में रहती है, टेस्टिस में। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, जिसे हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, और ये पुरुष में पाया जाता है, महिला में नहीं। चलिए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा ओवम। ओवम बोलते हैं, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, जिसे हिंदी में अंडाणु कहते हैं, और यह केवल महिला में पाया जाता है। अंडाणु केवल महिला में पाया जाता है, पुरुष में नहीं। और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, जिसे हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु का खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। आइए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां, हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो हम लोग पढ़ चुके, हमारे बॉडी में दो तरह का ग्रंथि होता है, एक इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम निकलता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। तो मैं दोनों में बता दूं, इंग्लिश में बता दूं, इसको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, जिससे कि हार्मोन निकलता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है हमारे बॉडी में। तो ये 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से, नियंत्रण एवं समन्वय से। इसकी तैयारी आप लोग कर लेंगे, और किसी भी तरह का सुझाव या कोई हेल्प या कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, कल।